देश में जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं। जंगल कम होने से जंगलों में रहने वाले जीवों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। ऐसे में इन्हें बचाए रखने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही पूरे विश्व में आज 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जंगल और इसमें रहने वाले वन जीवों की सुंदरता और विविधता को बताते हुए इनकी सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ऐसे 8 जानवरों के बारे में जो जंगल में रहकर भी वेजिटेरियन हैं, यानी शाकाहारी हैं, लेकिन ताकतवर इतने कि मांस खाने वाले जानवरों को भी पटखनी दे सकते हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम हाथी का आता है। हाथी ताजी वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। वह पेड़ों की पत्तियां और घास फूस खाते हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि वो एक बार में 350 से 400 केला खा सकता है। गेंडा एक शाकाहारी जानवर है। वो एक दिन में 120 किलो खाना खाता है। इसके खाने में पेड़ों की पत्ती, घास फूस के अलावा गेहूँ, मक्का, मूंगफली और केला शामिल है। जिराफ को दुनिया के सबसे ऊंचे जानवरों में से एक माना जाता है, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि जिराफ एक शाकाहारी जानवर है और वो अपने लंबी जीभ से ऊंचे पेड़ों पर पाए जाने वाले पत्तों को भी आसानी से खा सकते हैं। हिपोपोटामस या दरियाई घोड़े भले ही शरीर से इतने बड़े और ताकतवर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ घास पर जिंदा रहते हैं। वे फलों को भी खाते हैं जो जमीन पर गिर जाते हैं। भारत में कंगारू नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू भी सिर्फ घास और झाड़ियां खाते हैं, लेकिन ये इतना तेज होते हैं कि 12 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। घोड़ा भले ही पालतू हो या फिर जंगलों में रहता हो, वो सिर्फ शाकाहार ही करता है। घोड़े सूखी घास और चारा खाते हैं। बंदरों के बारे में कहा जाता है कि वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। ये फल, फूल, पत्ते, पौधे और जरूरत पड़ने पर छोटे मोटे कीड़ों, अंडों और छिपकली आदि को भी खा जाते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। हिरण भोजन के रूप में घास, हरी पत्तियां इत्यादि खाते हैं और ये पूरी तरह से शाकाहारी जीव होता है। इन जानवरों को कई मांसाहारी जानवर अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन अपनी तेजी से ये कई बार उन्हें धूल भी चटा देते हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।